नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के अलग अलग जिलों से मोरहाबादी पहुंचे सहायक पुलिसकर्मी। झारखंड के अलग अलग जिलों में पदस्थापित 2500 सहायक पुलिसकर्मी धीरे धीरे मोरहाबादी मैदान में जुट रहे हैं। इस बार सहायक पुलिसकर्मियों का विरोध करने का जोरदार तैयारी है। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि इस बार सरकार उसकी मांग जब तक पूरी नहीं करेगी तब तक राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के समीप धरना प्रदर्शन करेंगे। सहायक पुलिसकर्मियों का विरोध प्रदर्शन देखते हुए मोरहाबादी मैदान में अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी गई है। पिछले वर्ष सहायक पुलिसकर्मियों ने 2 सप्ताह तक विरोध प्रदर्शन किया था। सहायक पुलिसकर्मियों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांग पूरी कर ली जाएगी, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की गई। पिछले साल भी मोरहाबादी मैदान में विरोध प्रदर्शन के दौरान सहायक पुलिसकर्मियों और जिला बल के पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। इस मामले में लालपुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। पुलिस का कहना है कि नामजद प्राथमिकी अभियुक्त अगर विरोध प्रदर्शन करने आएंगे तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ विभिन्न दलों के प्रतिनिधि अमित शाह से मिले, लेकिन सरनाथ धर्म कोड पर नहीं की बात। आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मयूरभंज यानी कि ओडिशा के पूर्व भाजपा सांसद सालखन मुर्मू ने एक बार फिर झारखंड सरकार पर हमला बोला है। सालखन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड से दिल्ली गई विभिन्न दलों के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन सरनाथ धर्म कोड के मामले को नहीं उठाकर झारखंड समेत तमाम आदिवासियों के साथ छलावा किया है। भारत के प्रकृति पूजक 15 करोड़ आदिवासी समाज के साथ एक बड़ा धोखा है। यह तब हुआ जब पहले जाति जनगणना के साथ सरनाथ धर्म कोड के मामले को उठाने की घोषणा की गई थी। झारखंड में भारत बंद का मिलाजुला असर, कई जिलों में प्रदर्शन और चक्का जाम। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आह्वान पर भारत बंद का झारखंड में मिलाजुला असर दिखने को मिला। बंद के समर्थन में झारखंड के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ। झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दल समेत कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस बीच धनबाद में भाकपा माले समर्थकों ने पहाड़ी गोड़ा के पास सिंदरी धनबाद पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। बोकारो में बरवा अड्डा स्थित जीटी रोड के पास चौक को बंद समर्थकों ने जाम लगा दिया। साहिबगंज में भी स्टेशन चौक पर रेलवे फाटक को बंद कर सड़क यातायात ठप कर दिया। पाकुड़ में भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस, झामुमो, राजद सहित विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। जमशेदपुर के पूरे कोलाहान प्रमंडल में भारत बंद का असर देखा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आयोजित भारत बंद के समर्थन में झामुमो और कांग्रेस नेता अपने समर्थकों के साथ बाजार में घूम घूम कर दुकानें करवाया गया। घाटशिला, चायबसा, चक्रधरपुर में भी बंद का असर देखा गया। लंबी दूरी की बस चल रही थी, दुकानें और बाजार बंद थी। बंद समर्थक सुबह से ही सड़कों पर निकल आए थे। वहीं देवघर जिले के चित्रा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता की अगुवाई में नेताओं कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बंद का समर्थन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। झारखंड में 39% लोग खाते हैं तंबाकू, अब लड़कियों को भी लुभा रही है कंपनियां, बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि तंबाकू कंपनियां अपना व्यापार बढ़ाने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वे अब लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी इसका प्रचलन बढ़ाने की ओर कार्य कर रही है। यदि महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं तो उनका स्वास्थ्य तो प्रभावी होगा ही, आने वाले बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। तंबाकू के इस्तेमाल से मुक्ति के लिए उनके बीच जागरूकता फैलाकर और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन कराकर रोकथाम किया जा सकता है। वे राज्य तंबाकू नियंत्रण कोषांग एवं सीट्स द्वारा रांची के नामकुम में आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। श्री गुप्ता ने बताया कि झारखंड में तंबाकू इस्तेमाल करने वालों का आंकड़ा 50.1% से घटकर 38.9% हो गया है, लेकिन यह आंकड़ा अभी भी देश के आंकड़े के 28.6% से काफी अधिक है। झारखंड में जनजातीय विश्वविद्यालय की होगी स्थापना, आदिवासी जमीन पर कब्जा मामले में उपायुक्तों से रिपोर्ट तलब। झारखंड में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, इसका नाम पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर विधेयक का प्रारूप तैयार है। झारखंड जनजाति परामर्शदात्री समिति यानी झारखंड ट्राइबल्स एडवाइजर काउंसिलिंग की बैठक में यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासियों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने के मामले में सभी उपायुक्तों से रिपोर्ट तलब की गई है। बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह जानकारी दी। झारखंड जनजाति परामर्शदात्री समिति यानी झारखंड ट्राइबल्स एडवाइजर काउंसिलिंग की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन मौजूद हैं।
भाजपा के विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। नई नियमावली के तहत गठित समिति की यह दूसरी बैठक है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा तथा कोचे मुंडा समिति के सदस्य हैं। झारखंड के PLFI से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पोड़ाहाट जंगल में PLFI उग्रवादियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने कई हथियार और आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी बताया जा रहा है। कि यह मुठभेड़ पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र के बांदूर पंचायत के टेमना गांव में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार तड़के PLFI के उग्रवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। उग्रवादी सुप्रीमो दिनेश गोप, संतोष कंडोलाना दस्ते के साथ खुट्टी जिले में तैनात CRPF 94 और कोबरा बटालियन के साथ मुठभेड़ की सूचना मिलते ही मुख्यालय को भी अलर्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने हथियार और कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान जारी है। चक्रवात गुलाब के असर से झारखंड के कई हिस्सों में हुई है बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने गुलाब चक्रवात का असर झारखंड में रविवार को शाम से ही दिखने लगा। शाम 5 बजे के बाद आसमान में घने बादल छा गए। इस दौरान राजधानी रांची समेत कई स्थान पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबूंदी भी हुई। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक चक्रवात के असर से बादल बैंड के तटीय इलाकों को छूते ही झारखंड में इसका प्रभाव दिखने लगा। उन्होंने बताया कि देर रात तक राज्य के उत्तर और मध्य भाग समेत कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में 20 साल के बाद सितंबर माह में यह तीसरा चक्रवात बना है। झारखंड में 29 और 30 सितंबर को कई जगह भारी बारिश के आसार हैं। ऐसा बंगाल की खाड़ी में बने एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन के निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलने की वजह से होगा। नवीनतम मौसम विज्ञान अवलोकन में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से सोमवार को लो प्रेशर एरिया बनेगा। इसके बाद यह डिप्रेशन में बदल जाएगा। अगर डिप्रेशन और गहरा होकर डीप डिप्रेशन में बदला तो दक्षिण पश्चिम हिस्से से बरसने वाले घने बादल का समूह झारखंड की ओर आने लगेंगे। इससे राज्य के दक्षिणी भाग यानी कि पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां तथा मध्य भाग रांची, खुट्टी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग और रामगढ़ और इसके आसपास के कई इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, हो सकता है अहम फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक 28 सितंबर 2021 को होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसमें कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने बताया कि झारखंड कैबिनेट की बैठक रांची में मंगलवार को होगी। यह अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। आदिवासी हितों पर आज बड़ा फैसला लेने जा रहा है सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में कांग्रेस, राजद और अन्य दलों की ओर से ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आदिवासी हितों पर बड़ा फैसला लेने जा रहा है। वे जनजातीय परामर्शदात्री समिति की अहम बैठक के बाद इसका ऐलान भी कर देंगे। नए नियमावली के तहत गठित जनजातीय परामर्शदात्री समिति यानी TAC की दूसरी बैठक प्रोजेक्ट भवन में हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अपराह्न 3 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में राज्य में विस्थापन आयोग के गठन से लेकर जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर चर्चा हो सकती है। इस बैठक के लिए कुल 11 एजेंडे तय किए गए हैं। बैठक में आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र बनने में आने वाली समस्याओं के समाधान का रास्ता ढूंढा जाएगा तथा आदिवासियों को बैंकों से ऋण लेने में आने वाले अड़चनों को दूर करने पर भी विचार की जाएगी। बैठक में आदिवासियों से जुड़े कई मुद्दों पर भी निर्णय होने की संभावना है। झारखंड कुश्ती टीम का सीएन ट्रायल 3 अक्टूबर को लोहरदगा में। प्रथम पुरुष और महिला जूनियर बीच राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु झारखंड कुश्ती टीम के लिए खिलाड़ियों का ट्रायल 3 अक्टूबर को लोहरदगा में रखा गया है। खिलाड़ियों को चयन ट्रायल में भाग लेने के लिए अपने साथ पंचायत या नगर परिषद द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का मूल प्रति, आवासीय का छाया प्रति और पासपोर्ट साइज का फोटो साथ में लाना होगा। प्रथम पुरुष और महिला बीच जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 2 नवम्बर को हरियाणा में आयोजित हो रही है। स्कूली बच्चों को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सदस्य मिलने का मिला मौका। जाना कैसे विज्ञान को बनाए करियर का विकल्प। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान सिम्फर में चल रहे वैज्ञानिक गतिविधियों से रूबरू होने का मौका धनबाद के स्कूली छात्र छात्राओं को मिला। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं को CSIR के स्थापना दिवस के मौके पर संस्थान परिसर में आमंत्रित किया गया था। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सिम्फर के विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशाला का भ्रमण भी किया।
साथ ही विज्ञान को करियर का विकल्प चुनने से जुड़ी जानकारियां भी हासिल की। सीएसआईआर स्थापना दिवस के मौके पर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सदस्य पद्मश्री हर्ष के गुप्ता स्कूली छात्र छात्राओं से ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने भूकंप से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। देश में अब तक आए अलग अलग जगहों के भूकंप और उनसे हुई जान माल की क्षति के बारे में बताया। इसके साथ ही भूकंप के बारंबारता को कम करने का उपाय भी सुझाए। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। बालू के अवैध परिवहन के खिलाफ की गई कार्रवाई, लोहरदगा के कुडू में ट्रैक्टर जब्त। बालू के अवैध उठाव और परिवहन की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच कुडू में कार्रवाई की गई। कुडू अंचलाधिकारी प्रवीण कुमासी ने अवैध रूप से बालू का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को जब्त किया। जब्त ट्रैक्टर को कुडू थाना परिसर में रखा गया है। इस मामले में ट्रैक्टर के मालिक और चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुडू प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग बालू घाट से बालू के अवैध परिवहन और उठाव की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी की वजह से न सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था बल्कि निर्देशों और नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा था। लगातार मिल रही शिकायत के बाद कुडू अंचल अधिकारी प्रवीण कुमासी ने कुडू थाना क्षेत्र के उमरी बालू घाट पहुंचकर छापेमारी की। यहां पर बालू का अवैध परिवहन करते एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। जब्त ट्रैक्टर को कुडू थाना परिसर में रखा गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से बालू के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।